हेलो भाई, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल कैलपस कैम में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों कि आप कैसे अपनी सीएनसी जो मशीन्स है उसको आप स्टार्ट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, हमारे पास जो है वो सीएनसी लेथ की जो यहाँ पर मशीन्स है, और मैं आपको इसको स्टार्ट करना सिखाऊंगा कि आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि अभी जो मशीन्स है वो बिल्कुल पूरी तरह से ऑफ है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको मशीन जो स्टार्ट करने का प्रोसीजर जो है वो क्या होता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले देखो, यहाँ पर जब आप साइड में जाओगे तो यहाँ पर आपके पास एक लाइट से स्विच बोर्ड होगा, जिसको या एक एमसीबी होगी, जिसके थ्रू आपके पास आपको इसको क्या करना है, उठाना है। जैसे ही मैं इसको यहाँ से उठा देता हूँ, और उसके बाद उठाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके पास देखो क्या दिया हुआ, एक स्टेबलाइजर दिया जाता है यहाँ से, यानी आपकी जो पावर आती है सीधा आपके किस में आएगी, स्टेबलाइजर के अंदर आती है दोस्तों। ये हमारे पास स्टेबलाइजर होता है, तो यहाँ से देखो स्टेबलाइजर। अब स्टेबलाइजर को ऑन करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर एक स्विच दिया रहता है, एक एमसीबी दी रहती है, इसको आपको क्या करना है, इसको भी आपको यहाँ से उठा देना है। जैसे ही आप इसको उठाते हो तो यहाँ पर देखो आपका जो स्टेबलाइजर है वो रन करना स्टार्ट कर देता है दोस्तों, यानी आपके मशीन में जो पावर सप्लाई है वो आ चुकी है। अब यहाँ पर देखो जो इसकी जो वोल्टेज है वो आपके पास VHO मीटर है वो 240 से 241 के ऊपर होना चाहिए आपके पास दोस्तों, और आपके जो इनपुट सप्लाई है वो ये देखो पूरी तरह से काम करनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, मेन्यू का है, स्टार्ट का है, स्टॉप का है। तो आपको यहाँ से जो भी है वो स्टार्ट का जो ऑप्शन है वो आपको स्टार्ट कर देना है। जैसे ही आप इसको स्टार्ट करते हो दोस्तों तो वो क्या कर देता है, आपकी जो मशीन, अब यहाँ पर आप, मैं आपको मशीन दिखाता हूँ, तो मशीन का जो मेरे पास सबसे पहले तो यहाँ पर एक लाइट आपके पास जो ऑन हो जाती है, जो आपको क्या दिखाती है कि कितने डिग्री टेम्परेचर पर जो इस समय आप जिस वर्कशॉप में या फिर जहाँ पर आप काम कर रहे हो उसका टेम्परेचर कितना है, यानी वो आपको टेम्परेचर दिखाती है। जो यहाँ पर हमारा जो टेम्परेचर वो 34 डिग्री सेल्सियस का है दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, सीधे जैसे पावर ऑन करने के बाद आपने स्टेबलाइजर को उठाया, स्टेबलाइजर को उठाने के बाद आपको सीधा जब आप मशीन के ऊपर आते हो तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको इको जो ऑप्शन है वहां पर मिलता है, और कुछ लाइटें जो आपके पास यहाँ पर जल्दी मिलती है, जैसे टेस्टॉप क्विल होम की है, टर्ट क्लैंप की है, ये आपको क्या मिलेंगी, ऑन मिल जाएंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, ये पावर स्टार्ट का बटन होता है, आपको यहाँ से मशीन को स्टार्ट करना है। जैसे ही आप स्टार्ट करते हो तो आपके पास जो ये यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो आपका पैनल है वो उसमें जो है वो लोडिंग, यानी जो आपने का सॉफ्टवेयर होगा उसको उठाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। उसके अलावा यहाँ पर एक मशीन लैंप का बटन भी होता है दोस्तों। जैसे अगर मैं यहाँ से देखो, अभी ऑन है तो हमारे पास जो मशीन लैंप है, यानी आप यहाँ पर आप देख पाओगे कि मशीन के अंदर जो लाइट है वो हमारे पास ऑन हो चुकी है। अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हो तो ऑफ करने के लिए जो आपके पास ये मशीन लैंप का बटन है इसको आप ऑफ कर सकते हो। जैसे मैंने इसको ऑफ किया तो यहाँ से आप देखोगे कि हमारे पास जो लाइट है वो यहाँ पर बंद हो जाती है, ठीक है। किंतु हमें क्या करना है, इसको ऑन रखना है। तो यहाँ से हमने इसको ऑन किया, ऑन कर लेते हैं तो वापसी वो आपके पास क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, यहाँ से आप देख सकते हो। और इसी तरह जो हमारा प्रोसेस है यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो थोड़ा सा टाइम लेता है सॉफ्टवेयर आपका चलने के लिए, तो वो आपके पास रन करने के लिए स्टार्ट रहता है। अब उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है, हमारे यहाँ पर एक ई भी लगानी होती है हमारे पास। यहाँ पर आप देखो दूर से आप देख पा रहे हो कि बिल्कुल आपका जो एस, यानी एस की जो हमारे पास मशीन है और ये बिल्कुल आपके पास ऑन हो चुकी है दोस्तों। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, अब यहाँ पर मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पर इसको स्टार्ट कर सकते हो, पोजीशंस वगैरह आप चेक कर सकते हो इसकी क्या पोजीशन है। अब यहाँ पर देखो ये कुछ थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है, इसलिए करता है कि स्टार्टिंग में जब एकदम से स्टार्ट होता है तो कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन होती है क्योंकि मैकेनिकल पार्ट है। यहाँ पर इमरजेंसी शो कर रहा है हमारे पास, क्योंकि हमने यहाँ पर इमरजेंसी लगाया हुआ है, तो इसको आपको इमरजेंसी को रिलीज करना है। जैसे आप रिलीज कर देते हो तो एक बार मशीन रिसेट का बटन है, इसको आपको स्टार्ट करना है। स्टार्ट कर देते हो तो उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, वापिस से यहाँ पर आप देख पा रहे हो प्रोग्राम एडिट की है, तो आप की आपके पास गिवन होगी दोस्तों, आप यहाँ पर इसको की को लगाना है। आप एक चीज ध्यान रखना कि की के बगैर आप एडिट मोड का जो है वो यूज नहीं कर सकते। मैंने मोड के बारे में वीडियो जो है डाला हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। तो ये मैंने जस्ट इसलिए बेसिक डाला है कि कहीं कईयों को पता ही नहीं होता कि मशीन को आपको स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। तो आप उस तरह से मशीन को जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। और यहाँ पर अभी भी देखो ई का सिंबल आता है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको पहले रेफरेंस मोड में आके जो हमारे पास होम पोजिशन है उसको होम पे लाके जैसे करोगे वो देखो 0-0 हो जाएगा। और उसके बाद अभी भी अलार्म शो कर रहा है, तो मैसेज में आप अलार्म चेक कर सकते हो, क्या अलार्म है हमारे पास, टर्ट क्लैंप सिग्नल फॉल्टी, यानी हमारे पास टर्ट अभी क्लैंप नहीं हुई है। तो उसके लिए दोस्तों मैं क्या करता हूं, यहां से जो मेरे पास ये टर्ट इंडेक्सिंग है इसको आपको एक बार प्रेस करना है। जैसे ही आप इस पे प्रेस करते हो तो आपका जो टर्ट है वो आपका घूमना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। यहां पर आप देख पा रहे हो कि हमारा जो टर्ट है वो घूमना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। तो इस तरह से ये
पूरा एक रिवोल्यूशन चक्कर लेगा, पूरा चक्कर काटेगा जितने इसके अंदर टूल हो गए, और यहाँ पर जो आपके पास पहले नंबर का टूल है उसको याद करके वो यहाँ पर ले आएगा दोस्तों, ठीक है, वो यहाँ पर ले आएगा। उसके लिए यहाँ से मैं फिर से एक बार मशीन रिसेट कर देता हूँ, तो यहाँ से मशीन रिसेट करोगे तो यहाँ पर आप देखो एक जो है, कई कई मशीनों में क्या था कि रिसेट करने की जरूरत नहीं होती, ये अभी थोड़ा सा जरूरत पड़ रहा है इसके अंदर, वरना वो ऑटोमेटिक यहाँ पर एक जो है वो शो कर देता है। तो इस तरह से दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हो आपकी मशीन जो है वो ऑन हो चुकी है, अब आप इस पे काम करना स्टार्ट कर सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो जरूर बताना कि आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छी मिली या नहीं मिली, इसके बारे में मुझे कमेंट करना दोस्तों, ठीक है। और फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं या फिर जो भी आपकी क्वेरीज हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो इसी तरह मैं आपको मशीन से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो आपको वीडियो लेके आता रहूंगा, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और चैनल के साथ बने रहिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।